आज बंदरों की रानी दो बच्चों को जन्म देती है। पहला बंदर बहुत छोटा और कमजोर होता है, लेकिन दूसरा बंदर उससे थोड़ा बड़ा और मजबूत होता है। और कमजोर बंदर दुनिया में पहले आया था, इसलिए वो सिंहासन का पहला उत्तराधिकारी है। और तभी एक बंदर चुड़ैल आती है। वो राजा को छोटे बंदर से छुटकारा दिलाने की सलाह देती है, क्योंकि अब वो एक अपशगुन है, और कहती है कि ये प्रकृति की गलती है और वानर उसे राजकुमार के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और रानी के होश में आने से पहले राजा अपने कमजोर बच्चे को दूर करने के लिए ओला दमीर को सौंप देता है, जो उसका सेवक है। और जब रानी को होश आता है तो अपने बच्चे को पूछती है और राजा से वचन लेने को कहती है कि वो उनका अच्छे से देखभाल करेगा। और रानी की मृत्यु हो जाती है। राजा वानिया को राजकुमार घोषित करता है, जो मजबूत और स्वस्थ है। और राजा का सेवक कमजोर बच्चे को भेड़िए के मुंह में फेंकने के लिए ऊपर जाता है और बच्चे को फेंक कर चला जाता है, लेकिन वो बच्चा एक बेल पर अटक जाता है, जिससे वो भेड़िए के मुंह में नहीं जाता, लेकिन भेड़िया उसके हाथ में काट लेता है। ये देख के एक दूसरा बंदर उस बच्चे को भेड़िए से बचा लेता है और एक माँ बाप की तरह उसका ख्याल रखता है। अगर इसकी फुल वीडियो चाहते हैं तो बस एक लाइक कर दीजिए, हम समझ जाएंगे और वीडियो जल्द ही आएगी।